कॉमिक सिटी, बहादुरगढ़ का जाना माना शहर। भैया आज इस वो हम कहाँ पे हैं वो आप जान तो गए होंगे। हाँ, अगर जान नहीं गए हैं तो इन बिल्डिंगों को देख लीजिए। अब बिल्डिंग को भी अगर समझ में नहीं आता है तो अभी गाड़ी थोड़ी दूर चलेगी तो नेम प्लेट भी देख लीजिएगा। वीडियो को बंद कीजिए, नकली वीडियो देखिए। और सबसे पहली जो मेन चीज है जिसका लिए ये वीडियो बनाया है वो है ये पानी भरा रोड, नहीं ये रोड और उसमें भरा हुआ पानी और पानी के बीच में चलते हुए ये व्हीकल। और ये कहाँ पे है? भारत की, सॉरी बहादुरगढ़ की डेवलप्ड सिटी ओमेक सिटी में, जहाँ पे गाड़ियों को नहा के डूब के निकलना पड़ता है जी। और अगर आपको पता नहीं चल रहा तो ये देखिए नेम प्लेट लगी हुई है नॉर्थ एवेन्यू ओमेक सिटी। तो यहाँ पे अगर रिहायशी इलाकों के लिए देखिए आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं, आप टैक्सेस दे रहे हैं, मेंटेनेंस फी दे रहे हैं, तरह तरह के तमाम चार्जेस दे रहे हैं, हायर अमाउंट दे रहे हैं, एंड देन यू आर गेटिंग दीज खड्डास एंड दीज नालास एंड दीज कीचड़ एंड दीज ऑल। हमारा दिमाग, अरे रुक जाओ ना भाई, ये कवरेज कर ले तो फिर बोल लेना। ये देखिए, ये भी देखिए, ध्यान से देखिए। तो यदि ओमेक सिटी, अगर ओमेक सिटी आपको कॉलोनी जैसी सुविधा दे रही है तो आप कॉलोनी में रह क्यों नहीं रहे? सीधी सी बात है भाई, चौधरी का बुरा। तो अगर देखिए ये जो लाइन पर जिसको की सब गिर गई है, उठाने वाला कोई नहीं, स्कूटी गिर गई है उठाने वाला कोई नहीं है। तो और देखिए सार्लेक्स प्रॉपर्टीज, मोना डार्लिंग हमारे पास सार्लेक्स प्रॉपर्टी में आती थी और अब ये प्रॉपर्टी वहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ गई। इधर एक फ्रेंड रहता है। तो ये देखिए दोस्त, व्हाट योर एक्सपीरियंस है, अगेन दिखाइए इसको। देखने के बाद आपको क्या फीलिंग आ रही है कि आप सेक्टर के इलाके में हैं आप या किसी कॉलोनी में हैं किसी सोसाइटी में? पानी निकालने की जगह नहीं है। अब ये हमारे सामने एक बाइक वाला जा रहा है, अब ये देखिए किस तरीके से अपनी बाइक, तुम बताओ इसे। यही हाल है मुंबई का भी, मुंबई तो डूब जाती है इतना पानी। यही हाल है मुंबई का, देखिए मुंबई की एक अलग गलियों, अपनी गलियों में भी नहीं है पानी, बल्कि हमारा वहाँ जैसे वहाँ के लोग सुधर जाए ना हमारे उधर के, मैंने कूड़ा कर ना डाले इधर उधर, तो यार इससे ज्यादा बढ़िया आबादी जहाँ होती है ना, गंदगी होती है मुंबई में आबादी। बात मुंबई की ये है कि वो सागर के किनारे स्थित है, वो एक वो है टापू है, टापू क्या कहते हैं जो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे रख रखाव जो मैनेज ड्रेनेज सिस्टम इतना नहीं है, पानी कहाँ जाएगा? महानगर है वो। अरे महानगर है अंकल जी, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो सागर के किनारे है तो पानी कहाँ जाएगा, बारिश का पानी कहाँ जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। पानी से याद आया सागर किनारे। अब देखिए ये गाड़ियाँ, इन गाड़ियों की व्यवस्था देख लीजिए, और ओमेक्स नॉर्थ एवेन्यू ये आपका आपके सामने प्रस्तुत है नॉर्थ एवेन्यू। फक मैन, व्हाट द हेल इज दिस? देखिए हमारा इतना बड़ा झटका और गड्ढा आया जिससे कि हमारा कैमरा भी हिल गया है, उसकी बात माफ कीजिए मुझे, मैं गुस्से में थोड़ा हड़बड़ाहट में इधर उधर चला जाता हूँ, मैसेज आया माफ नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो क्या फीलिंग यार, वीडियो की ऐसी तैसी करती तुमने, इससे अच्छा तो हमारा पटेल नजर है। ये देखिए कूड़ा कबाड़, हमारे एसी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, आपके एसी से नहीं होगी। एसी चलाऊं? नहीं, ये एसी तो चल जाएगा, मैं निकाल के एसी। So guys, देखिए ये सारा जो इलाका है, आप रह रहे हैं बहादुरगढ़ के सबसे डेवलप शहर ओमेक सिटी में, और ओमेक सिटी का ये अब ओमेक सिटी खत्म हो चुके है, ये पटेल नगर आ चुका है। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन पटेल नगर एंड ओमेक सिटी, पटेल नगर और ओमेक सिटी में अगर कोई फर्क नजर आ रहा हो तो आप देख ही चुके हैं। हाँ, तो आप जरूर आप उसे देखिए, बी एस एम क्या चल रहा है स्विमिंग पूल, गाड़ियाँ खड़ी ना इनसे पता चलता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से
उसमें और इसमें पटेल नगर और रोमैक सिटी में मुझे कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आया। अगर हम बाहर से जा रहे हैं अगर कोई डिफरेंस नहीं है, पटेल नगर आ जाएगा फटाफट। ये सब मैं स्विमिंग पूल में तो कम से कम पटेल नगर में जो सड़कें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं इन बनिस्पत ओमेक सिटी के। और इतना बड़ा जो वीडियो बन रहा है वो बन रहा है क्विक कंप्यूटर सॉल्यूशन के सौजन्य से, जो कि हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं ये ट्रिप जिसमें कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के कंप्यूटर सेवाओं से संबंधित अगर आपको कोई काम हो तो क्विक कंप्यूटर सॉल्यूशन आए, त्वरित कंप्यूटर सेवा, त्वरित कंप्यूटर सर्विस, क्विक कंप्यूटर सर्विस जी। 15 वहाँ पे दो कंप्यूटर की शॉप्स मिलेंगे बराई रोड, पुरानी बराई रोड। भ्रमित मत होइएगा, हर एक दुकान से पूछते हुए जाइएगा क्योंकि कोई कंप्यूटर सॉल्यूशंस कौन सा। दुकान नंबर 7 जरूरी नहीं है मेरे यार, कंप्यूटर सॉल्यूशंस 5 दुकानें छोड़ के बराई रोड पे लेफ्ट हैंड, जब आप मेन रोड से आओगे तो लेफ्ट हैंड में पड़ेगा दुकान नंबर 7। जी हाँ भाइयों और बहनों, अगर आपको कंप्यूटर की सेवाओं का आनंद लेना है वो भी बराही रोड के पे स्थित आपके घर के पास, तो आप आ जाइए हमारे साथ क्विक कंप्यूटर सॉल्यूशन। आपकी सेवा में सभी तत्पर, किसी भी प्रकार की कंप्यूटर सेल, परचेज, रिपेयर, आपके बहादुरगढ़ में चल क्या रहा? आपके कदमों तले प्रस्तुत करते हुए चल क्या रहा? चला क्या रहा? डीडी न्यूज़ में, डीडी न्यूज़ स्टार्ट में क्या? तो देखिए भाई और बहनों, अब आपके सामने काफी सारी आवाजें आ रही हैं जो अलग अलग आदमियों की बातें बता रही हैं। उसका मोबाइल ना ठीक है, अब तक किसका देगा गांड मर रहा है मोबाइल में, मैं तो निकाल के सिम दूसरे में डाल देना। जब भी आपका मोबाइल खराब हो जाए निकल के ना वहां से। अब हम आ चुके हैं सेक्टर 6 के इलाके में, यहाँ पे पटेल नगर की सीमा समाप्त हो जाती है और ये सामने की जो बिल्डिंग है वो क्षेत्र पड़ जाता है सेक्टर 6, सेक्टर 6। बीयर की दुकान तो पीछे थी और हरीश भाई के साथ भी थी। वो पिलाएगा बिल फाड़ बोले यार, मगर प्यास लग रही थी यार, भाई कह रहा था कि बीयर की दुकान पीछे रह गई, मैं बोला नहीं यार आज भाई के साथ पिलाएंगे पिएंगे ठीक है, तो आज बिल उससे फड़वाओ। तो भाइयों और बहनों, हम फिर से आ चुके हैं आपको गुदगुदाने, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके पास। जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुन रहे हो? जिज्ञासा को शांत ये करेंगे तो जिज्ञासा को तो हम ही शांत करते हैं, पिपासा को शांत कोई और करता है। जिज्ञासा और पिपासा में बहुत फर्क होता है। लेफ्ट को मुड़िए, कहाँ जा रहे हैं? तो अब हम निकल चुके हैं सराय औरंगाबाद, यहाँ पे आपको मिलेंगे तरह तरह के जानवर और उसके साथ बैठे हुए इंसान, क्योंकि हम हैं हरियाणा क्षेत्र में और हरियाणा क्षेत्र में सबसे पहले पशु पालन आता है, दूध दही का खाना आपका हरियाणा। तो अमीन सायानी की आवाज में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भ्रमण करा रहे हैं सराय औरंगाबाद। तो दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी आपके सामने बजने वाला है एक गाना जो आपको याद दिलाएगा खड्डे की
अभी खट्टा चला गया और आ गया है घना। माफ कीजिए, आपको वो पुरानी फीलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन नया मजा आएगा। गाने को बदलने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं। क्या हुआ यार, तू तो थक गया। एक नंबर में कोई गाना नहीं चल रहा है, दो पे भी नहीं चल रहा है, तीन पे भी नहीं, चार पे भी नहीं, पांच पे भी नहीं और छह पे भी नहीं। गाना कहाँ से चलेगा? अरे भाई, अच्छा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में। जैसे ट्रेंडिंग है ये गाना, वैसे ही ट्रेंडिंग है ROF ग्रुप रियल एस्टेट में एक उभर। कई गानों के बाद हमें एक अच्छा गाना मिला है, तो उसका लुफ्त उठाइए और हमारे साथ गाइए। भाइयों, बकरियों की आवाज, पशुपालन की आवाज, हम आ गए हैं औरंगाबाद क्षेत्र में। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपने बकरी की आवाज सुनी, हालांकि वो मैंने निकाली थी, लेकिन ये देखिए असली पशु पक्षी। हमें भूमिका बांधते वक्त ये सब भी ध्यान रखना होता है। देखो भाई, ऐसे आना है, फ्लैट में जा रही है, फ्लैट देख रही है। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं, गाना सुन लिया होगा आपने, दिल खुश हो गया होगा आपका। देखिए बहुत सारी भैंसें, लाल पीली काली नीली, हर तरह की भैंसें हैं। और ये भाई साहब साइकिल पर भागते हुए, और ये लाल पीली तो लाल से टी शर्ट में एक पहलवान, और फिर उसके बाद ये ढेर सारे मकान। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं मुझे की बात